मध्य प्रदेश में फिर से पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 जनवरी को कुल 63,300 पंच और 200 सरपंचों के लिए वोटिंग होगी। इसके 4 दिन बाद नतीजे भी आ जाएंगे। 9 जनपद सदस्यों के लिए भी वोटिंग होगी। 22 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के आम उपचुनाव वर्ष 2022 उत्तरार्ध के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके बाद 15 दिसंबर से नाम निर्देशन पत्र भी लिए जाने लगे हैं। इसके साथ ही एक बार फिर गांवों में उपचुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। हालांकि माहौल वैसा नहीं है जो मुख्य चुनाव के दौरान देखने को मिला था। वोटिंग 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। पंच पद के लिए मतदान मत पत्र से होगा। वहीं सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होंगे। पंच पद के लिए काउंटिंग वोटिंग के तुरंत बाद ही पोलिंग बूथ पर होगी। सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की काउंटिंग 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर ईवीएम से होगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी को घोषित होंगे। पंच के 61,936 पद के लिए उपचुनाव और 1,364 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। सरपंच के 122 पद के लिए उपनिर्वाचन एवं 78 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिए उपनिर्वाचन होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।